पितृदोष निवारण पानी बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। इस जल को आप समूचे घर में छिड़क देंगे तो आपके जीवन में तमाम व्याप्त पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। पितृदोष क्या है? खोटे ग्रहों के प्रभाव होते हैं या कुछ ऐसे कर्म आपके द्वारा किए गए होते हैं जिनका आपको दुष्प्रभाव इस जन्म में भुगतना पड़ता है, जो पूर्व जन्म में आपने किए हैं। जैसे पीपल का वृक्ष आपने कटाया हो या किसी सर्प का वध आपके द्वारा हो गया हो, और ज्ञात अज्ञात कर्म ऐसे जो आपको नहीं करने चाहिए, किसी पवित्र स्थान के समीप आपने मलमूत्र का त्याग कर दिया हो, देव प्रतिमा पर थूक दिया हो, ये सारे ऐसे दोष हैं जिसका कोई दंड नहीं है। जितना भी दंड इसका मिले आपको कम है, लेकिन ये प्रयास करके आप अपने जीवन के तमाम पितृदोष दूर कर सकते हैं, ऐसा हमको लगता है। जानकारी पसंद आए तो सबसे शेयर करें। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, सबसे शेयर करें और कमेंट में ओम पितृदेवाय नमः अवश्य ही प्रेषित करें, और ज्ञात अज्ञात उन कर्मों के लिए माफ़ी मांगें जो आपके द्वारा हो गए हैं। ज्ञात अज्ञात पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं जो आपके द्वारा हो गए हैं, आपने चाहा नहीं था लेकिन आप कर बैठे हैं, उन सब के लिए माफ़ी मांगें जो हमने आपको इस श्रेणी में बताए हैं, जो पितृदोष की श्रेणी में आते हैं उनके लिए आप माफ़ी मांगे। आपके पितरों का अगर आपको नाम ज्ञात है उनका नाम भी बोलें, और सात बूंदें आपको सारे घर में छिड़कनी है, कुल सात बूंदें ही होनी चाहिए। आपके कमरे अलग ज़्यादा हैं तो अलग ज़्यादा मात्रा में भी आप छिड़क सकते हैं। इसमें तुलसी दल अवश्य डालें जल में, और ये जल शुभ जल बन जाएगा, और तुलसी का जल बहुत पवित्र होता है। आपको पितृदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जप करना है। आपको ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, मेरे सारे कष्टों को हरो, मेरी सारी प्रॉब्लम को हरो, मेरी विपदा हरो, मेरे घर में खुशियां ही खुशियां हो, मेरे घर में पैसा ही पैसा हो, मेरे घर में धन दौलत का अंबार लग जाए, ढेर लग जाए, ऐसा आपको बोलना है। और सभी कर्मों के लिए आपको पितृ से क्षमा मांगनी है। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपका आशीर्वाद देंगे। आपने देखा होगा कि मैंने आपको एक प्रार्थना बताई थी जिसमें पितृ सिर्फ जल से ही तृप्त हो जाते हैं, और जल उनके नाम का बनाकर आप उनके निमित्त बनाकर किसी शुभ गमले में डाल देते हैं, तो ये शुभ प्रभाव आपको देता है। आप इस जल को किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, आपको अवश्य ही लाभ होगा। जल का छिड़काव भी आप अपने घर में कर देते हैं तो आपका समस्त पितृदोष मिट जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। पितृ जल बनाएं और पितृदेव को तृप्त करें, आपको अवश्य फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।